नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकार, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसने गांवों को सुंदर बनाने के लिए, गांवों को विकसित करने के लिए भर भर के झोली पैसे दिए हैं, हर गांव को विकास की योजनाएं दी हैं, हर गांव को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं दी हैं। लेकिन जब गांव के जिम्मेदार, जब गांव के जो मेन व्यक्ति हैं, अगर वो ही झुलमुल रवैया अपना लें तो हर गांव की सूरत और सीरत कभी नहीं बदल सकती। जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें यूं ही नहीं बयां कर रही, ये तस्वीरें कोई बाढ़ की नहीं है, ये तस्वीरें कोई बहुत बड़े बारिश के बाद की नहीं है, तस्वीरें एक गांव की है। उस गांव में के हालात ये हो गए हैं कि कहने का तो वो गांव प्रयागराज का सबसे लास्ट गांव है और प्रयागराज का शहरी गांव है। गांव का नाम एकुआ उर्फ काठ गांव है। लेकिन उस रास्ते को देख करके, इस वीडियो को देख करके, लोगों की समस्याओं को देख कर, कहीं ना कहीं आप भी इन जिम्मेदार लोगों को कोसने का मन कर रहा होगा। बीमारी की चपेट में गांव ग्रसित हो चुका है, सड़क पर चलना दूभर है। एक सवारी, एक व्यक्ति बाइक बैठाता है तो उसको ले जाकर दूसरे कोने में ड्रॉप करता है, फिर वहां ड्रॉप करने के बाद वो व्यक्ति फिर से वही स्थल पर आता है, वहां से फिर दूसरे सवारी को बैठाता है, फिर ले जाकर वहां ड्रॉप करता है, उसके बाद तब जाकर अपने मंजिल, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता है। पानी की निकासी जरूरी है ना कराना इसकी। ये पानी कोई तालाब या कोई नहर नहीं है, पानी नीचे एक इंटरलॉकिंग सड़क लगी हुई है जो पीडब्ल्यूडी की या ग्राम पंचायत की या जिला पंचायत के निधि से बनी हुई है, जिसमें लाखों खर्च किए गए हैं ताकि लोग आराम से उस रास्ते से आ जा सकें, सुगमता पूर्वक वहां तक पहुंच सकें। लेकिन सही तरीके साफ सफाई और सही तरीके से पानी की निकासी न होने की वजह से गांव के लोग आज इस आफत को झेलने के लिए मजबूर है कि आपके सामने है ये लबालब रोड भरी हुई है, इससे बीमारी फैल रही है, बच्चे नहीं स्कूल जा पाए रहे हैं। किया जाए किसी तरह पानी का निकासी इसका बनना चाहिए। अच्छा, क्या वजह है कि पानी से भर जाता है? अब पानी का, अब आगे जाम है रोड, कोई रास्ता ही नहीं है। नाली वगैरह क्या निकासी की व्यवस्था नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, सब जाम कर रखे हैं। समस्या 2-3 महीने से है। हमारे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उनको गोद में लेके जाते हैं। हमारी बच्ची एक 4-8 साल की है, पानी जितना तक हो जाता है बहुत तकलीफ हो जाता है। हमारे दोनों तरफ दरवाजा है, दोनों तरफ से पानी भरा हुआ। गाँव बीमारी तो नहीं फैल रही है? गाँव में बीमारी फैलेगी ना, जब इससे मच्छर पैदा होगी गाँव में बीमारी फैलेगी। ये कोई एक गाँव कहीं नहीं है, ये कहानी न जाने कितने गाँव की है। लेकिन फिलहाल मैं एक गाँव, हमारा रिपोर्टर पहुँचा, वहाँ के लोगों से बात किया, वहाँ के लोगों को दर्द सुना और लोगों ने बताया कि स्कूल तक बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो माता पिता कुछ तो अपने कंधे पे लाद करके बच्चों को स्कूल तक ले जा रहे हैं और कुछ तो स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किस रास्ते से जाएं? कुछ बच्चे चोटिल हो जा रहे हैं, गिर कर चोटिल हो जा रहे हैं और गंदगी का अंबार इतना लग चुका है। पानी, जैसे जैसे पानी का स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे डेंगू, मलेरिया, ज्वर और न जाने कैसे ऐसे संचारी रोग जो होते हैं, वो समस्याएं वहाँ उत्पन्न हो रही है। गांव के लोग मजबूरन जो है बीमार में ग्रसित हो गए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिम्मेदार आंख मने हुए हैं। वहीं इस मुद्दे पर जब हमारे पत्रकार ने, हमारे रिपोर्टर ने उस गांव के प्रधान प्रतिनिधि से बात किया तो उन्होंने कहा मेरा सिस्टम बन गया है, इस पर बहुत जल्दी हम कार्य कर लेंगे। भाई साहब, हमारे यहाँ से ये 20 साल की समस्या है, लेकिन संभवतः 15 दिन के अंदर अंडरग्राउंड आउटलेट हम बनवाने वाले हैं, जो कि कम से कम 5 जगह हमारे चैम्बर बनेंगे और अंडरग्राउंड पाइपलाइन इस पानी की निकासी के लिए हम बनाएंगे, आगे ले जाके नाला में मिला देंगे। सिर्फ देरी इस बात की है कि पानी भरे होने की वजह से कार्य करने में बाधा हो रही है। पानी जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन से GCB लग जाएगी। बाकी हमने ग्राम विकास अधिकारी से बात कर लिया है, BDO साहब से बात कर लिया है, सारा सिस्टम हमारा बन गया है। अब कौन सा सिस्टम बना हुआ, इतने दिनों तक सिस्टम नहीं बना। आज जब मीडिया, आज जब पत्रकार वहां तक पहुंचा, जनता की बातों को जब उठाया, पहुंचा उस गांव की रूपरेखा, गांव की दशा दुर्दशा को जब सामने ले आया तो वहां के प्रधान प्रतिनिधि भी सामने आए, उन्होंने कहा मेरा सिस्टम बन गया है। अब पता नहीं उनका सिस्टम बना है कि गाँव के लोगों की समस्याओं का सिस्टम बन चुका है निदान पाने के लिए, ये तो वो जाने। ये तो इतने सालों से गांव के लोग नरकी जीवन जी रहे, कोई एक रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं। गांव में अगर आप घूमेंगे तो लगभग एक दो रास्तों को छोड़ दिया जाए तो सारे गली, सारे रास्तों की यही हाल है। और अगर किसी से प्रश्न करो जिम्मेदार लोगों से, तो लोग यही कहते हैं ये समस्या आज की नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है।
तो मेरा उनसे पूछना यह है, जनता की तरफ से, ये समस्या अगर आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, तो आज आप पद पे हैं, तो आपने क्या किया? आज आपके हाथ में पावर है, आपके आज आपके हाथ में पैसा है, निधि है, तो आपने क्या किया? जनता को आपने जवाब आज तक दिया? अगर आप भी खबरों में रहना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जितना अधिक हो सके शेयर करिएगा, ताकि इस गांव की समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो सके और जिम्मेदारों के निगाह के सामने ये समस्याएं आ सके।